नमस्कार, मैं उज्ज्वल कुमार, यूबीबी न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ विशेष मुलाकात में बात करने के लिए जुड़ गए हैं बीजेपी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अल्पसंख्यक मोर्चा के कोषाध्यक्ष अब्दुल्ला चौधरी जी। आइए आज इनसे कुछ विशेष मुद्दों पर बात करेंगे। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सर, सबसे पहला जो हम आपसे सवाल पूछना चाहेंगे वो ये है, आपके पॉलिटिकल करियर की शुरुआत पहले तो कब हुई, कैसे हुई और बीजेपी ही पार्टी आपने क्यों चुनी अपने शुरुआती दिनों में? देखिए उज्ज्वल जी, शुरुआत से ही जो मेरी विचारधारा है स्कूल टाइम से, कॉलेज टाइम से, मेरी जो विचारधारा है वो भारतीय जनता पार्टी से मिलती थी जी। तो क्योंकि भारतीय जनता पार्टी किसी विशेष घराने के लिए काम नहीं करती, किसी विशेष व्यक्ति के लिए काम नहीं करती। हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे देश के लिए काम करती है और देश को आगे बढ़ाने के लिए काम करती है। इसी विचारधारा को देखते हुए मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मैच हुई और मैंने भारतीय जनता पार्टी चुनी उज्ज्वल जी। क्योंकि देखिए, शुरुआत से ही मैं कॉलेज टाइम से, स्कूल टाइम से ही सोशल वर्कर के रूप में मैंने काम किया और गरीबों के लिए, युवाओं के लिए मैं स्टार्टिंग से ही, शुरुआत से ही लड़ता रहा। तो उसके बाद में मैंने मेरी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी से मिली। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी थी कि जिसको चुन के, जिस पार्टी में मैं काम करके गरीबों के लिए और देश हित के लिए, जितनी पार्टी भारतीय जनता पार्टी हमारे देश हित के काम करती है, इतनी पार्टी, कोई भी पार्टी, जितनी भी पार्टी अभी तक बनी है, 60-70 साल लगभग कांग्रेस ने भी राज किया है, सभी ने देश को लूटने का काम किया है। एकमात्र भारतीय जनता पार्टी मुझे ऐसी लगी जो कि देश हित में काम करती है, देश को आगे बढ़ाने का काम करती है। तो इसलिए मैंने भारतीय जनता पार्टी को चुना कि इस पार्टी को ज्वाइन करके, इस पार्टी में मैं काम करके मैं गरीब लोगों की मदद कर सकूं और देश को आगे बढ़ाने का मैं काम कर सकूं। चलिए ठीक है, आपने बहुत अच्छी बात करी, आपने जितना भी एक्सपीरियंस था वो हमारे साथ शेयर करा। सर, अब हम आगे बढ़ना चाहेंगे। तीन राज्यों में, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो अभी 2018 में चुनाव हुए थे, तीन राज्यों में एक करारी हार हुई है और वहाँ पर कांग्रेस ने अपनी छाप छोड़ी है और अपनी सरकार बनाई है, इस विषय में आपका क्या कहना है? हम इस हार को हार नहीं मानते, ये तो हमारी जीत हुई है। वो आप देख लीजिए कितने कम अंतर से हम लोग आ रहे हैं और वहाँ पे मीडिया का सहारा लेके कांग्रेस पार्टी ने एक झूठ का भ्रम फैलाया है और जिसको 2019 में आने वाले चुनाव में जनता मुंह तोड़ जवाब देने वाली कांग्रेस को, क्योंकि भ्रम, जो झूठ का जो भ्रम फैलाया जाता है वो बार बार नहीं चलता। लेकिन अब्दुल्ला जी, हार तो हुई है ना, आप चाहे माने या ना माने, हार तो हुई है। नहीं, हम इस चीज को हार नहीं मानते, ये हार हम इसको जीत मानते हैं, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने इतना भ्रम फैलाया झूठ का। तो झूठ की राजनीति हमेशा नहीं चलती है जी, जी। एक बार चल गए इनका ढंगोसलेबाजी जो इन्होंने की है चुनाव में, तीनों जगह, तीनों राज्यों में 2018 में, वो बार बार नहीं चलने वाली है। अब की बार जो है 2019 में जनता इनको करारा जवाब देगी और हम इसको, आप कह सकते हैं, मीडिया वाले कह सकते हैं ये हार है, लेकिन हम, हमारी पार्टी और हम इसको हार नहीं मानते, ये हमारी जीत हुई है। देखिए, इन्होंने एक झूठ फैलाया था चुनाव से पहले, एक वादा किया था इन्होंने किसानों का कि हम किसानों का कर्जा माफ करेंगे। कहाँ इन्होंने किसानों का कर्जा माफ किया? नहीं, अब्दुल्ला जी, करा तो है उन्होंने किसानों का कर्जा माफ, आपने देखा नहीं, 2 लाख रुपए का कर्जा माफ हुआ है। नहीं, 2 लाख रुपए तक का कर्जा माफ किया है, लेकिन कर्जे तो करोड़ों में है किसानों पे, और जब ये कर्जा माफ करना ही चाहते थे तो पूरा कर्जा माफ करते। ये तो इन लोगों ने एक लॉलीपॉप थमा दिया है जनता के हाथ में, जिसका 2019 में जनता इनको जवाब जरूर देगी जी। 2019 की अगर बात करें तो क्या लगता है 2019 में किसकी सरकार आएगी, क्या लगता है किसकी सरकार आएगी, किसका सुपड़ा साफ होगा और कौन बनेगा देश का चेहरा और प्रधानमंत्री? पूरी 125 करोड़ जनता भारत की जानती है कि देश के अगले प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी होंगे। पर डे 18 घंटे काम किया है और देश को आगे बढ़ाने का काम किया है। ये पहली बार ही संभव हुआ है माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में कि हमारा देश चौथे नंबर पर आया है, अब से पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि कांग्रेस वालों ने सिर्फ अपने घर बढ़े हैं और विशेष परिवार वालों के लिए काम किए, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो सबके लिए है। इन लोगों ने, हमारी पार्टी में कोई परिवारवाद नहीं है जी। मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा, लेकिन आप सब लोग जानते हैं, दर्शक भी जानते हैं, पूरी मीडिया, हर एक व्यक्ति जानता है देश का कि इन लोगों ने परिवार के लिए काम किया है, इन्होंने अपने परिवार का विकास किया है। लेकिन हमारी पार्टी ने 125 करोड़ जनता के विकास के लिए काम किया है। लेकिन अब्दुल्ला जी, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। विपक्ष का लगातार कहना है कि अब जो 2019 में है, मोदी लहर खत्म हो रही है, खत्म होती दिख रही है बल्कि, और खत्म हो चुकी है। कहाँ मोदी लहर खत्म हुई है? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है, विपक्ष के पास तो एक ही काम है, सिर्फ आरोप लगाने का, वो आरोप 100 लगाएं, लेकिन देश की जनता, एक एक बच्चा,
एक एक व्यक्ति सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कितना काम किया है, जितनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। और दूसरी चीज़ है, हमारे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने 125 करोड़ के लिए काम किया है, जितनी भी योजना बनाई है सारी वो 125 करोड़ के लिए हैं। देखिए, इन लोगों ने कोई काम नहीं किया और ये झूठ झूठ पे झूठ झूठ पे झूठ बोलते जा रहे हैं और इसका जनता इनको जवाब देगी। ऐसे माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने सरकार बनाई अकेले दम पे कि 2019 में फिर हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे और हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं। विपक्ष के कहने से कुछ नहीं होता, हमारे नरेंद्र मोदी जी देखिए, आज की डेट में हमारी जो जनता वो बेवकूफ़ नहीं रही है, हमारी देश की जनता पढ़ी लिखी है, सारी चीज़ें जानती है, बेवकूफ़ बनाने में नहीं आएगी। और हमारे देश के अगले 2019 में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हम कुछ नहीं करते। जी जी, अब्दुल्ला जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा कि यूपी में गठबंधन हुआ है, भाजपा और सपा एक साथ हो गए, तो क्या लगता है इसका कोई असर बीजेपी पे पड़ेगा? अरे, ये गठबंधन नहीं कहूँगा मैं इसको, ये एक ठगबंधन है, ये एक योजना बनाई है इन्होंने लोगों को ठगने की, इसको आप गठबंधन कैसे कह सकते हैं? ये एक ठगबंधन है। आज से पहले जो लोग एक दूसरे के 10-15 साल कट्टर दुश्मन रहे हैं वो सिर्फ ठगने के लिए, क्योंकि लेकिन देश की जनता और यूपी की उत्तर प्रदेश की जनता जानती है कि इनकी दुकान हमेशा हमेशा के लिए 2019 में हम देश की जनता इनकी 2019 में दुकान बंद कर देगी। लेकिन विपक्ष का लगातार कहना है कि जब से आपकी सरकार यूपी में आई है, आपकी सरकार बनी है और जो आपके मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, उनके ऊपर लगातार उन्होंने सवाल उठाते रहे हैं, सवाल खड़े करते रहे हैं और महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठाए हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये चीज़ विपक्ष कह सकता है, लेकिन किसी भी क्षेत्र में आप जाके किसी भी एक आम नागरिक से इसके बारे में पूछेंगे तो आपको खुद ही जवाब मिल जाएगा। आज की डेट में क्राइम का ग्राफ इतना घट चुका है जो कि गुंडागर्दी समाजवादी पार्टी की सरकार में चलती थी, आज के समय में बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है और खुद बदमाशों को जेल में डालने का काम कर रही है। और हमारे महंत योगी आदित्यनाथ जी, उत्तर प्रदेश में जो सरकार आज के समय में चल रही है, ऐसी कभी सरकार नहीं चली और हमारे देश को इतने अच्छे मुख्य प्रधानमंत्री मिले और देश को हमारे इतने अच्छे मुख्यमंत्री मिले जो कि सिर्फ विपक्ष तो बोलता रहेगा। 19 के चुनावों में ज़्यादा समय तो रहा नहीं है, देश की जनता इनको मुंह तोड़ जवाब देगी। तो गठबंधन, ये ठगबंधन जो इन्होंने किया है, इनकी दुकान हमेशा हमेशा के लिए 2019 में बंद हो जाएगी। जी जी, लेकिन जो है विपक्ष वो ये भी कहता रहता है कि जो बीजेपी पार्टी है, मुस्लिम समुदाय को लोगों को हमेशा ही पीछे रहना पड़ता है बीजेपी में, ये विपक्ष का भी कहना है। देखिए, कांग्रेस ने लगभग 60-70 साल राज किया, उनका क्या देश को लूटा जी। एक चीज़ मुझे आप बता दीजिए जी, जो उन्होंने विशेषकर मुस्लिमों के लिए की हो, और हमारे देश के प्रधानमंत्री 125 करोड़ के लिए काम कर रहे हैं, इसमें विशेष जाति विशेष नागरिक टोटली जितने भी 125 करोड़ की हमारी जनसंख्या उनके लिए हम काम करते हैं। हम गरीबों के लिए काम करते हैं, मजलूमों के लिए हमारी पार्टी काम करती है और हमारी पार्टी की जो विचारधारा है वो 125 करोड़ के लिए, ना वो मुस्लिम धर्म हो चाहे उसमें, चाहे सिख हो चाहे ईसाई हो, कोई भी धर्म हो, हम सबके लिए काम करते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, हम देश हित में हमारे जो कार्य हैं देश हित में। विपक्ष के पास में कोई मुद्दा नहीं है जी। जी, हमारी पार्टी जो हमारे सिख भाई हैं 84 के दंगे से उनके नेताओं के हाथ रंगे हुए हैं, उनको सजा दिलाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। और जितना मुस्लिम समुदाय कांग्रेस की सरकार में पिछड़ा, इतना किसी में नहीं पिछड़ा। देखिए, इन लोगों ने मुस्लिमों को जीता जागता हाशिमपुरा कांड दिया और ये इन लोगों ने मुस्लिमों के लिए मुझे बताया क्या किया, 70 साल इन्होंने राज किया, इन लोगों ने काम तो कुछ किया नहीं है जी। जी, और ना ये काम करना चाहते, ये सिर्फ अपने घर बनने चाहते हैं, अपने परिवार का विकास करना चाहते हैं। बार बार मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ का जवाब जनता देगी 2019 में जी। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला जी। तो ये थे हमारे साथ अब्दुल्ला चौधरी जी, काफ़ी मुद्दों पे इनसे बात हुई। इनका साफ तौर पे कहना है जो विपक्ष है सरकार पर आरोप लगाता है, इनको 2019 में जो जवाब देने वाली है वो जनता देने वाली है। इनका ये भी साफ तौर पे कहना है 2019 में जो सरकार आएगी वो बीजेपी आएगी, भारी बहुमतों से जीत के आएगी और जो देश के प्रधानमंत्री होंगे वो होंगे नरेंद्र मोदी। कैमरामैन जगदीश उप्रेती के साथ मैं उज्ज्वल कुमार, UBB न्यूज़ दिल्ली।